हुकूमत के दो साल मुकम्मल होने पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन अराकीन का शोर शराबा। आरिफ अलवी कहते हैं कि आज सोच कर आया था कि मेरी बात तवज्जो से सुनी जाएगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो कर्जों का बोझ था और मईशत जवाल पजीर थी। हुकूमत ने जो फैसले किए इसके असरात मुरतब हो रहे हैं। बारिश ने पंजाब में तबाही मचा दी। छतें और दीवारें गिरने से 15 अफराद जां बहक, 19 जख्मी हो गए। लाहौर के इलाका हरबंसपुरा में 4 अफराद जां बहक, 11 जख्मी। फालिया में मां और 4 बच्चे दम तोड़ गए। शेखुपुरा में मां बेटा, चेन्योट में 5 साला बच्चा और कलरकहार में 3 अफराद जां बहक। लाहौर, गुजरांवाला, सरगोधा, मियांवाली समेत पंजाब भर में मूसलाधार बारिश से जल थल एक, सड़कें नदी नालों में बदल गईं, नशेबी इलाके डूब गए, पानी घरों में दाखिल, बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी, मुतअद्दिद शहरों में बिजली भी गायब। 24 घंटों में इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश की पेशगोई। शिमाल मशरकी बलोचिस्तान और जनूब मशरकी सिंध में भी बादल बरसने का इम्कान। नशेबी इलाकों में पानी नजर नहीं आना चाहिए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के अहकामात, वासा और इंतजामी अफसरान को फील्ड में मौजूद होने की हिदायत। कहा, निकासी आप के लिए वाजे करदा प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। शहरियों को मुश्किलात का सामना नहीं होना चाहिए। कल से बारिशों का इम्कान, सिलसिला इतवार तक जारी रहेगा। दो रोज गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। थरपारकर, मीरपुर खास, उमरकोट और सांगर में भी मुबैना बरसेगी मी। बारिशों का सिलसिला इतवार तक जारी रहेगा। कराची के मसाइल का हल जिम्मेदारों को मजीद बांट दिया गया। कमियाड़ी को नया जिला बना दिया गया। शहर कायद अब 7 अजला पर मुश्तमिल होगा। नए जिले किवियाड़ी में साइट बल्दिया माड़ीपुर के इलाके भी शामिल होंगे। फैसला सिंध काबीना के इजलास में किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं, गरीब को इलाज की सहूलत देने से बड़ी खिदमत कोई और नहीं हो सकती। खैबर पख्तूनख्वा पहला जिला है जहां तमाम खानदानों को सेहत कार्ड दिया जा रहा है। जब गरीब आदमी बीमार होता है तो इसका सारा बजट इलाज पर लग जाता है। लोगों को गुर्बत की लकीर से नीचे ले जाने वाली बड़ी वजह बीमारी है। खैबर पख्तूनख्वा में तकरीब से खिताब। नवाज शरीफ का मरियम नवाज से टेलीफोनिक राबिता, मौलाना फजलुर रहमान के तहफुजात दूर करने की हिदायत। मौलाना फजलुर रहमान को किसी सूरत नाराज नहीं कर सकते, उन्हें साथ लेकर चलना है। शेख रशीद कहते हैं, अपोजिशन गिरोहबंदी का शिकार, हिजबे इख्तलाफ की ख्वाहिश दिल में ही रहेगी। शोर मचाने वाले नैब ज़दा हैं, किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। नवाज शरीफ 4 फोन कर लें, इमरान खान मुद्दत पूरी करेंगे। पहले ही कहा था कि एपीसी नजर नहीं आएगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी दो रोजा सरकारी दौरे पर चीन रवाना। पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुजाकरात के दूसरे दौर में शिरकत करेंगे। मुजाकरात में पाक चीन इक्तिसादी राहदारी फेज 2 समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा तआवुन के फरोग पर तबादला ख्याल होगा। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ ने मफरूर करार देने के खिलाफ दरख्वास्त वापस ले ली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दरख्वास्त खारिज कर दी। इस्लामाबाद में सरकारी जमीन पर तामीरात की इजाजत देने पर पाबंदी आई। सरकारी जमीन पर कब्जा करवाना मेयर और चेयरमैन सीडीए का मिसकंडक्ट है। इस्लामाबाद में सरकारी जमीन की हिफाजत करने वाला कोई नहीं। के सीडीए, मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन और सब ने मिलकर इस्लामाबाद पर बहुत जुल्म किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत के दौरान जजेस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट की रेलवे को रीस्ट्रक्चरिंग के लिए 4 हफ्ते की मोहलत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद कहते हैं, कराची हैदराबाद ब्रिज किसी भी वक्त गिर सकता है। दरियाए सिंध पर भी कोई ऐसा पुल नहीं जिस पर कौम फखर कर सके। कोटरी में अंग्रेज दौर का पुल आज भी दुरुस्त हालत में है।
कैसे वापस गुनाह लिखी दरख्वास्त पर नोटिस जारी, 17 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया गया। 7 माह गुजरने के बावजूद फैसल वापजा की जानिब से जवाब जमा नहीं करवाया गया, दरख्वास्त गुजार के वकील का अदालत के रूबरू बयान। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 8 अफराद, तादाद 6209 हो गई। 513 अफराद में वायरस की तशखीस, 2,91,000 मरीज। सिंध में 2,343, पंजाब में 2,186, खैबर पख्तूनख्वा में 1,242, बलूचिस्तान में 139, गिलगित बल्तिस्तान में 62, आजाद कश्मीर में 61 और इस्लामाबाद में 175 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के 2,26,00,000 मरीज हलाकते, 7,92,000। अमरीका में 1,76,333, ब्राजील में 1,11,190, मेक्सिको में 58,481, रूस में 16,000, भारत में 54,000 और सऊदी अरब में 3,506 अमवात। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अजमा बुखारी कहती हैं हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी, लगता है वजीर आजम उस्मान बुजार को सिखाने के लिए लाए हैं। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट 2 साल में नहीं बना सके, चीनी कमीशन की रिपोर्ट के बाद किसके खिलाफ कार्रवाई हुई, पंजाब में महकमे 40, तर्जमान 54 हैं। गवर्नर पंजाब से वजीर कानून राजा बिशारत समेत सूबाई वज़रा की मुलाकात, चौधरी सरवर कहते हैं इमरान खान असूलों पर डट जाने वाला लीडर है, समझौता करने वाला नहीं, मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। तहरीक इंसाफ का एजेंडा सियासी मफाद नहीं बल्कि पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाना है। राणा सनाउल्लाह कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान ने खुद नवाज शरीफ के साथ राबिता किया, बाज मामलात पर तहफुजात का इजहार किया। मरियम नवाज को अगर पाकिस्तान में सियासत की ख्वाहिश है तो वो यहाँ जेल का सामना भी कर रही हैं। वोट को इज्जत दो के नारे का मतलब मैंडेट का एहतराम करना। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि तवक्को है कि सऊदी अरबी इसराइल और मुतहद अरब अमारात के दरमियान होने वाले मुआहदे में शामिल हो जाएगा। UAE को F-35 लड़ाका तैयारों की फरोख जेरे गौर है। साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने ट्रंप को अमरीकी सदारत के लिए नाअहल करार दे दिया, कहा ट्रंप में तरक्की करने की सलाहियत नहीं, ट्रंप ताकत को जाती मकासद और दोस्तों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग लाखों एकड़ तक फैल गई, आसमानी बिजली गिरने से लगने वाली आग से 50 घर राख, हजारों अफराद घर बार छोड़ने पर मजबूर, आग पर काबू पाने की कोशिश के दौरान एक पायलट भी हलाक हो गया। पाक फजाइया के सबसे कम उम्र में आला फौजी एजाज निशाने हैदर हासिल करने वाले पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद का 49वां यौम शहादत, शहीद को खराज अकीदत पेश करने के लिए PAF की तरफ से मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म भेजा गई।